पब्लिक, आई एम जेज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मेरा मूड एकदम बढ़िया वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ हॉल वाली वीडियो। सो गाइस, लास्ट टाइम मैंने कवर की थी 4 मार्केट्स। अगर आपने वो वीलॉग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो दिवाली स्पेशल थी तो मैं 4-4 मार्केट घुमाई फ्रॉम मुंबई टू सूरत। सो कुछ तो लिया ही होगा। सो मैं आप सबको आज दिखाने वाली हूँ कुछ रोड शॉपिंग एंड कुछ मॉल शॉपिंग। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दी वेरी फर्स्ट मार्केट जो मैंने कवर की थी वो थी बैंड्रा लिंकिंग रोड वाली। सो वहां पे आपको मिल जाएंगी स्टाइलिश कैजुअल वेयर स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1। सो ये है जीन्स एंड गाइस ज़ारा की कॉपी या फिर ओरिजिनल मुझे मिल गया है वहां से। दे कोटेड मी 900 रुपीज, बट देन बार्गेन करके ये मुझे मिल गई है सिर्फ 500 रुपए में। एंड गाइस, ये मतलब जो स्टाइलिश दिखती है एकदम जस्ट बढ़िया वाली, एंड इसकी क्वालिटी भी एकदम अच्छी है। ये स्ट्रेचेबल नहीं है बट इसकी क्वालिटी इज लिटरली गुड इनफ, मतलब 500 में ये वर्थ है। सो ओके गाइस, ये ना एंकल लेंथ तक की है। सो मेरी हाइट ज्यादा है सो मुझे एंकल से थोड़ी बहुत ऊपर तक होती है। सो गाइस, सेकेंड थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम लिंकिंग रोड इज दिस फैंसी टॉप जो बेबी पिंक कलर का है, काफ़ी फ्लेरी है। ओके, हवा आ रही तो ये थोड़ा सा लहरा रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा फैंसी टॉप है फॉर डेली कैजुअल वेयर मैंने लिया है। सो नेक्स्ट इज दिस प्रिटी सा क्रॉप टॉप। वेल, ये वेरोमोडा की कॉपी है, आई जस्ट शो यू। गैस, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बस यही साइज में मिलेगा बेबी टॉप। अगर आप मुझसे थोड़े से भी ज़्यादा हेल्दी हो तो ये आपको नहीं आने वाला। सो ये बाय करके मतलब नहीं है, बस एक ही साइज़ था इनके पास। दे टेल दैट कि ये फ्री साइज़ है, आपको हो जाएगा, बट मुझे खुद को ये एकदम फिट हो रहा था। सो हेल्दी लोग इसे मत लेना प्लीज़, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो ये मुझे पड़ा है 250 रुपीज़। हाँ, एंड ये भी 250 रुपीज का है, मैं प्राइस मेंशन करना भूल गई थी। सो नेक्स्ट इज दिस कैमी टॉप जो कि मैंने ऑलरेडी वेयर कर लिया है एंड इसकी प्राइस भी है 250 रुपीज, बट गाइज उनके पास साइज सिर्फ एस ही थी और आई कुड से बस एक ही साइज अवेलेबल थी। सो ये मुझे थोड़ा बहुत लूज हो रहा है। सो होपफुली आप अगर मुझसे थोड़ा भी हेल्दी हो तो आपको ये आ जाएगा। एंड सारे साइजेस सेम है। एंड गाइस, क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी 250 के हिसाब से आपको वैसे ही क्वालिटी मिलने वाली है। सो गाइस, मूविंग अहेड, जीन्स टॉप ये आ गए, फुटवेयर की भी तो बात कर ले। सो आई गॉट दिस ब्यूटीफुल से पिंक सैंडल जिसमें थोड़ी बहुत अच्छी खासी हील भी है, इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। सो उन्होंने मुझे कोट किया था अराउंड 500, देन आई गॉट इट फॉर 300 रुपीज़। सो फॉर 300 इट्स वर्थ। सो गाइज, नेक्स्ट आइटम इज दिस बॉक्स पर्स। ये भी मैंने लिंकिंग से ही ली थी। सो अभी काफ़ी ट्रेंड में है ये बॉक्स पर्स एंड ये थिक वाले स्ट्राइप्स। ये मुझे पड़ा था 300 रुपीज़ में, एक रुपया भी कम नहीं किया भैया ने, बट ठीक है, फॉर 300 इट्स गुड। ये काफ़ी स्टर्डी है एंड गाइज ये आपको रोडस्टर वाला लुक प्रोवाइड करेगा आपके आउटफिट के साथ, सो यू कैन गो फॉर दिस। ओके, सो ये एडजस्टेबल स्ट्रैप्स है। सो दोनों साइड दिए हैं इलास्टिक वाले साइड पॉकेट्स। आउटफिट मैंने कवर कर लिया है, सो टचअप के लिए कुछ तो चाहिए। सो एक्सेसरीज, सो मैंने ली थी कुछ एक्सेसरीज फ्रॉम लिंकिंग। सो फर्स्ट इज दिस पर्ल का हुप, ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड दिस लॉक एंड की का चेन फॉर 50 रुपीज़ एंड फॉर 100 रुपीज़। ऐसे सिल्वर भी ली थी बट ना मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने इसे पहना था एंड पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। सो मूविंग अहेड, बैंड्रा लिंकिंग रोड की हॉल मैंने कवर कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी मार्केट से मैंने क्या क्या खरीदा है। स्ट्रीट शॉपिंग तो हो गई बट मुझे वो बढ़िया वाली ड्रेस नहीं दिखी लाइक जो मेरे दिमाग में थी, या फिर वो फेस्टिव वाइब्स दे दिवाली या फिर न्यू ईयर की। सो मैं गई थी मॉल, आपने मेरी व्लॉग में देखा ही होगा। सो दी वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट दिस क्रॉप टी शर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ये लेस वाली।
सो इट्स फ्रॉम द ब्रांड जिंजर एंड इट इज़ फॉर 600 rupees, 599. एकदम सेक्सी लगने वाला है ये. सो नेक्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम द मॉल इज दिस ब्यूटिफुल ड्रेस. इसकी फ्लेयर की तो मैं क्या बात करूँ, एंड क्वालिटी इज दी बेस्ट. क्योंकि गाइज ब्रांड की चीज़ है, क्वालिटी तो मिलनी ही चाहिए. इतना पे भी किया है, 3,500 rupees. वेरो मोडा, ये ड्रेस पहनकर ही बारबी वाली फीलिंग आती है मुझे. और साइड में मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप देख लेना कि बस कमाल लगता है. मतलब वर्थ है यार दिवाली एंड न्यू ईयर के लिए. आपका पैसा वसूल है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. क्योंकि मैं इसे चलाने वाली हूँ 5 साल के लिए तो मिनिमम. सो गाइस अब हम बात करेंगे उन आइटम्स के बारे में दैट आई गॉट फ्रॉम डोंबिवली के लोकल मार्केट से. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस टी शर्ट ड्रेस सेल लगा हुआ था बुटेक में. कोई भी टॉप लो 200 एंड वन पीस लो 500. सो आई गॉट दिस फॉर 500 एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यू कैन वेयर इट कैजुअली, मूवीज में, ब्रंच में, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट में. एंड गाइस इसकी लेंथ इज मतलब जस्ट वाव, ये नी लेंथ तक का है. सो आप इसे बिंदास से कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस स्वीटहार्ट नेक एंड लेस पैटर्न वाली टॉप, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. ये ईयर के स्टार्ट से ही काफ़ी ट्रेंड में है. सो आई गॉट दिस फॉर 300 rupees. इसकी बलून स्लीव्स है. एंड गाइज ये आपको नेवल तक आने वाला है. इट्स अ क्रॉप टॉप. आप रस्सी को ऐसे थोड़ा सा खींचिए एंड आपकी स्वीट हार्ट नेक पैटर्न रेडी हो जाएगी. आप इसे हाई वेस्ट जीन्स के साथ पैर कर सकते हैं एंड लो वेस्ट के साथ भी पैर कर सकते हैं. आप इसमें सेक्सी नहीं बल्कि एकदम ज़्यादा प्रिटी लगने वाले हो. लास्टली आई गॉट दिस पैर ऑफ वेजेस ब्लैक कलर में फॉर 350 rupees. सो गाइज डोंबिवली मार्केट में ना वेंडर्स इतना ज़्यादा बार्गेन नहीं करते. सो दे आर जस्ट स्टडी विद देयर प्राइस. ऐसा नहीं कि आप लो प्राइस कोट करके चले जाओ और आपको बुलाएंगे, जरा सुनिए मैडम, रुकिए मैडम. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. वहाँ पे सब फिक्स प्राइस वाली चीज़ होती है एंड एक्चुअली वर्थ होती है. सो ये सैंडल 350 के हिसाब से काफ़ी अच्छी है. एंड गाइज ये थोड़ी सी हैवी है, सो आप इसे ऑल डे कैरी नहीं कर सकते. बट रस्ते का माल तो ऐसा ही मिलेगा, 250 या 350 हो. सो क्वालिटी भी वैसी ही आपको मिलेगी. मूविंग अहेड गाइज, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा मुंबई मेरी जान, नहीं देखा तो देख लीजिए. सो मैं गई थी मुंबई CST. सो वहाँ से भी मैं कुछ लाई हूँ. सो गाइज आई एम सो वॉट ऑब्सेस विद एक्सेसरीज एंड पर्स. सो ये वाली दे कोटेड मी अराउंड 750 rupees एंड मुझे ये पड़ी 500 rupees में. इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू 200 एंड 300 वाले पर्सेस. सो क्वालिटी के हिसाब से एंड मॉल में अराउंड आपको 1500 से स्टार्ट होता है. सो 500 में इतनी बुरी भी नहीं है. एंड गाइस कोलाबा इज़ रिच इन एक्सेसरीज एंड हैंडबैग्स. आपको वहाँ पे सबसे अच्छी वाली एंड बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलने वाली है. सो वहाँ जाके आप ज़रूर चेक करना. मैं गई थी सूरत के बरोड़ा मार्केट में एंड वहाँ पर बस भड़ीमार लगा हुआ था हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज का, एक्सेसरीज का एंड सो ऑन. आई फाउंड इट बेस्ट प्लेस फॉर इंडियन एक्सेसरीज आई कुड से. सो वहाँ से मैं लेके आई हूँ बहुत अच्छी अच्छी एक्सेसरीज. फर्स्ट 10 rupees डायमंड वाली ब्रेसलेट जो सब पे जाने वाली है, 50 rupees. एंड ये क्यूट सी पेंस, 50 rupees. फिंगर रिंग 50 rupees. एंड गाइज ये पूरा का पूरा सेट 150 rupees. ओके सो 150 का है, मतलब इतना कॉस्टली नहीं है. सो क्वालिटी भी ऑन एन एवरेज अच्छी खासी मिल जाती है. आप हर एक क्लिप को 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं. मैंने ये वाली क्लिप को यूज़ किया है. इसका कलर थोड़ा सा डल हो गया लेकिन 150 में आपको ये पूरा का पूरा सेट मिल रहा है. मतलब पैसा वसूल है गाइस. सो अगर आपको एक्सेसरीज लेनी है वो भी लाइक वेडिंग सीजन में, तो आप सीरियसली बड़ौदा मार्केट जाओ, लिटरली स्टॉक कर लो. वहाँ पे ब्राइडल सेट्स इतने मतलब सारे फ्रॉम हैवी टू डेलिकेट सब मिल जाएगा. वहाँ जाके मेरा दिल वॉज जस्ट गार्डन गार्डन होए जा रहा था.
सो गाइज दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन सारी आइटम्स में से क्या पसंद आया, कौन सी मार्केट से पसंद आया. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी. बाय.